नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी फार्मिंग आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी कि यदि आपके खेत में धान की रोपाई करने के बाद किसी भी कारणवश प्री इमरजेंसी दवा का प्रयोग नहीं कर पाए या किए उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं आया, पानी सूख गया या किसी कारणवश, और आपके खेत में धान के साथ साथ खर भी उग आया हुआ है, खरपतवार जम गया है और वो 3 से 4 पत्ती का हो चुका है, तो अब उसको हम कैसे ख़त्म करें, उसी के लिए ये वीडियो है। इसको देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लाभ उठाएं। साथियों, धान में 2 प्रकार के खर होते हैं, एक चौड़ी पत्ती और एक सकरी पत्ती। 2 प्रकार के खरों को देख लें, यदि ये दोनों प्रकार के खर उसमें उग आए हैं तो उसमें 2 दवाएं मिला के डालें। यदि केवल सकरी पत्ती ही धान है, मतलब उसकी पत्तियाँ पतली पतली होती हैं, जैसे धान की पत्ती होती है वैसे उन खरों की भी पत्तियाँ होती हैं, तो केवल एक ही दवा आपको डालना है और वो दवा ये है, ओरजो स्टार। एक गोदरेज कंपनी इंडिया की बनी हुई है और इसका टेक्निकल नेम है बिस्पायरीबैग सोडियम। ये दवा और नामनी गोल्ड दोनों एक ही है। दोनों का टेक्निकल बिस्पायरीबैग सोडियम है और दोनों का प्रयोग करने की जो मात्रा है वो 80 से 120 ml तक आप डालें। यदि आपके धान के खेत में खरपतवार थोड़े कम हैं तो 80 ml ही डालें। 1 बीघा 20 बिस्वा में यदि खरपतवार थोड़ा अधिक जम गए हैं तो 100 ml डालें। ये देखना है आपको कि खरपतवार की मात्रा कितनी बड़ी हो गई है और उनमें पत्तियां कम से कम 4 से 6 पत्ती हो गई हों, 6 इंच 5 इंच 8 इंच तक का खरपतवार हो गया हो, तब आप इसका प्रयोग करें। इस दवा को ले लें 100 ml और उसको 6 टंकी पानी में पूरे खेत 1 बीघे में 20 बिस्वे में स्प्रे कराएं। स्प्रे कराते समय आप कोई इसमें स्टिकर मिला दें जैसे एग्रीव्यासी, ताकि यदि कोई बारिश हो जाए तो दवा का प्रभाव आपका ख़राब ना हो और वो दवा पूरे पौधे पे फैल जाए और ठीक से काम हो जाए। ये दवा सिस्टमिक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, ये चुनिंदा खरों को मारेगी और आपके धान के पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस दवा को डालने के बाद आप अपने खेत में 24-48 घंटे के बाद पानी लगा दें और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप दवा डाल रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, तो उस समय खेतों में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ज़मीन नमी हो और आप हिल करके उसको चारों तरफ से फोलियर स्प्रे कर दें। साथियों, यदि आपके धान के खेत में सकरी पत्ती के साथ साथ चौड़ी पत्ती के, जैसे पालक टाइप की पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्ती के खरपतवार भी उग आए हैं, तो आप इसी दवा के साथ साथ ओरजो स्टार के साथ साथ एक दवा आती है एमाइन साल्ट, जो 2,4-D लिक्विड फॉर्म में होती है, उसकी मात्रा 250 ml 20 बिस्वा खेत में आप इसी के साथ साथ दोनों मिला सकते हैं और मिला के आप स्प्रे करा दें। यदि ये दवा नहीं मिल रही है तो मेट सल्फ्यूरान, जो बथुआ की दवा थी और गेहूं में डाली जाती थी, आप उस मेट सल्फ्यूरान को भी इसी के साथ मिला करके और दोनों दवाओं को एक साथ पूरे 20 बिस्वा खेत में स्प्रे करा दें। मेट सल्फ्यूरान की 1 पैक लेनी है जो सिर्फ 8 ग्राम की होती है और इससे आपका
चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती, कोई भी खर होगा ख़त्म हो जाएगा। ये दवा आपको एक बीघे 20 विश्वा के खरपतवार को नष्ट करने के लिए मात्र 360 रुपए की 100 ml मिलेगी और पूरे एक बीघे के खरपतवार को नष्ट कर देगी। किसान साथियों, यदि एक बीघे धान के खरपतवार को निकालना होगा तो 10 लेबर 2 दिन में निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये दवा का प्रयोग ही हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। हम इसका प्रयोग करें, वीडियो को देखें, स्वयं देखें और अपने मित्र यारों को शेयर कर दें मोबाइल पर, ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं। उनको जानकारी नहीं हो पा रही है कि वो हम इसको कैसे प्रयोग करें, तो उनका लाभ वो भी उठाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।